أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ईमान की बुनियादी चीजें गिनती में सात हुआ करती हैं। सारे कलाम पाक की तफसीलात के बाद खुलासे में वही निकलता है जिसको हम ईमान मुफस्सल कहते हैं। उसी की तफसील, तफसीर, वजाहत और इसी माना मफहूम को मजबूती के साथ मुसलमान के दिल में बिठाने के लिए ये सारी आयतें जो मुसलमान हैं उनको इस्लाम के ऊपर कायम रहने के तरीक़े सिखाने और बताने के लिए। जंगे अहद से मुतालिक जंगें तो बहुत हुई, जंगों में बहुत कुछ होता है, मारते हैं, मरते हैं, जख्मी करते हैं, जख्मी होते हैं, जान लगती है, माल लगता है, लेकिन चंद गलतियों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जंगे उहद में हुई थी। उस नमूने को क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कलाम पाक का हिस्सा बताया। दीगर जंगों के मुतालिक इशारे हैं, उन वाक़यात की तफसील नहीं है। अहादीस और तारीख़ इस्लाम के ज़रिए से तफसील है, लेकिन जंगे उहद का ज़िक्र यहाँ सूरह निसा से शुरू होती है, बात सूरह अनफाल में ज़िक्र आएगा, सूरह अहज़ाब में मज़ीद तफसील आएगी कई पहलुओं के साथ। इस जंग के पहलू का एक ज़िक्र कर दिए गए। खराबी की जो कड़ी है ईमान की बुनियादी चीज़ों में से एक चीज़ के अंदर कुछ फर्क, वो सात चीज़ें आमंतु बिल्लाही अल्लाह पर, वो मलाइकती उसके फरिश्तों पर, वो कुतुबी उसके तमाम किताबों पर, वो रसूली उसके तमाम रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी मन आखिरत के दिन पर के क़यामत का दिन क़ायम होने वाला है, वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाही ताला। बंदे के साथ जो कुछ भी हो रहा है, होता है, होता रहेगा, या तो खैर होगा बंदे के लिहाज से, या तो बंदे के हक में वो बुरा होगा। जब अच्छा है तो बंदा खुश होता है, बुरा होता है, तकलीफ़ होती है तो असबाब को या लोगों के ऊपर उन चीज़ों को ढकेलता है या इस चीज़ की वजह से ऐसा हुआ कहता है। आज की इस आयत में इसी मफहूम की तरफ ख़ास तौर पर ताकीद है। सातवीं चीज़ है वलबासिबादल मौत, यानी मालिक यौमिद्दीन का यकीन रखो, मरने के बाद उठाया जाए। सारी तफसीलात वही है, इसलिए वो ईमान मुफस्सल सरसरी कम से कम याद होना, जब ज़रूरत पड़ी अकल हो, समझो, बूझो, इंसान थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेगा, इस्लाम वाली कैफियत को आगे बढ़ाएगा। मुसलमान के लिए इस्लाम का जायज़ा लेने बार बार ताकीद है, चलते चलते इसी सूरे में अगले आयतों में आएगा दो रुकों के बाद, वहाँ तो हुक्म और मजबूती से आ गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बोलकर हुक्म, अरे मुसलमान हो पहले मुसलमान बनो, मुसलमान है तभी तो खिताब फरमा रहे अल्लाह ताला, मुसलमान है मोमिन, फिर हुक्म देने के ईमान ला, ईमान पर रहे, मोमिन बन, तो मुसलमान से बीसों खतनाएँ और गफलतों का शिकार बनता है। ये दुनिया की ज़िंदगी आसानी के साथ उसको अपने लपेटे में लेती है, एक तरीक़ा नहीं, एक ज़रिया नहीं। जो लिखा पढ़ा हुआ नहीं है वो तो अपनी जगह है, लिखे पढ़े हुए भी सबसे ज़्यादा,
बल्कि अहले इल्म दीन उलूम से जुड़े हुए भी इसके अंदर मुलव्वस होते हैं, इसलिए उनके लिए मुस्तकिल तौर पर अहादीस में वजाहत है। लेकिन इसका पूरा एहतमाम करने वाले को बता दिया सारे मुसलमानों में, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सारे ईमान वालों में उसका दर्जा बुलंद कर दिया। तो वहाँ पर तर्जुमा मफहूम वही है, ईमान वालों ईमान लाओ, यानी ईमान की हर चीज़ के ऊपर मजबूती से टिके रहो, मुसलमान हो इस्लाम का तरीक़ा पसंद क्यों नहीं आता, मुसलमान हो वादा वफाई क्यों पसंद नहीं आती, मुसलमान हो फिर झूठ को इख्तियार क्यों करते हो, मुसलमान हो वादा करके खिलाफ करते क्यों हो, मुसलमान हो नमाज़ को उसके वक्त का एहतमाम उसकी जिम्मेदारी को समझते क्यों ना हो, टालम टोल क्यों करते हो, एक चीज़ हर चीज़ के। यहाँ इस जंग के अंदर भी जो चीज़ हुई थी, जंगे अहद में 72 सहाबा, 5 मुहाजिरीन बकिया मदीने के लोग अंसार शहीद हुए थे, उनसे ज़्यादा बड़ी तादाद जख्मी हुए थे। तलवार का ज़ख्म होता कैसा है, किसी की उंगलियां कटते हैं, किसी का हाथ कटता है, किसी का कान कटता है, किसी की नाक कटती है, किसी का पैर टूटता है कटता है। खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर तीर धसी, काफ़ी खूबत और रफ्तार के साथ आकर पत्थर लगा, सामने के नीचे के जानिब के चार दांत न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि टूट कर गिरे, पूरा चेहरा खून से लहूलुहान हुआ। नबी थे लेकिन बशर तो थे, अल्लाह नहीं थे। जब जख्मी फरमाया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब सबक सिखाने के लिए तमाम तमाम सहाबा को, वो 700 की तादाद में रहने वालों के अंदर बाद में कुछ कमी थी, और फिर जंग से आने के बाद भी दीगर मुखालिफीन इस्लाम जो ज़ाहिर मुसलमानों के मौयद कहलाते थे, तायद कहलाने वाले मुनाफिकों का एक बड़ा ग्रुप कई बातें कहने लगे, आज भी होता है। हम रोके इसको, रुका नहीं, नहीं इसके साथ जातों का एक जिद किया, देखो हादसे का शिकार हुआ मर गया। नहीं फुलां के जोर जबरदस्ती के ऊपर निकला था और ये वाकया हो गया, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये होता था। चादरघाट के पास लोहे वाले एक मोइन साहब बड़े मशहूर थे, कारोबार उनके बच्चों के आज भी हैं। दो साथी, उनका इंतकाल के 10-12 साल हो गए, उनके इंतकाल के वक्त पर उनके साथी साथ साथ थे, दम के निकलने से जरी देर पहले अपने दोस्त से मरने वाले ने कहा, अरे तू भी मेरे साथ चल भाई, यहाँ रह के क्या करता। ये फौरन कहने लगे, मुझे अभी बहुत काम है, मेरे बच्चों की शादी करना, फुला फुला फुला। अजीब इत्तेफाक हुआ, 2-3 महीने नहीं हुए अच्छे सेहत पर, फिर उनका भी इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनके घर के अफराद, औरतें वगैरह, साबिका मरहूम के घर के ऊपर आकर चीख पुकारा, नान डपट, तुम्हारे फुलां के कहने की वजह से, ऐसा करने की वजह से इनकी मौत हो गई। एक वाक़े ने 20 चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में तकदीर के एक पहलू को इस आयत शरीफा के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर बताई गई है। जंगे उहद में भी जो ये हुआ था फुलां फुलां, किसी ने कहा फुलां से, सबसे नहीं पास से, देखो हमारी सुना नहीं तुमने, अगर नहीं जाते होते तो आज जख्मी नहीं होते थे, अगर वो नहीं जाते होते तो आज उनका कत्ल नहीं होता था।
ये ईमान की कमी की अलामत है। मार लगने के लिए किसी का मार का पड़ना तो जरूरी है, ये फितरत है। इन सारी चीजों के अंदर एक तरफा नहीं दो तरफा पहलू है। बीसवें चीजें इंसान को समझ में नहीं आती, समझना छोड़ दिया उन्हें, गौर व फिक्र करना छोड़ दिया। वो सबक सिखलाता है, समझाता है कुरान। सब खुलासा लेके लेके आने के बाद पीछे पलट कर जाओ, जाने बाद आकर रुकती है बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पे रुकती है, उससे आगे जाती ही नहीं। जो कुरान की सबसे पहली आयत है, पूरा कुरान का खुलासा कब, जब समझने के बाद, उसे माना मफहूम जानने के बाद समझ में आएगा। बस उसी एक ही जुमले में आ गया। जिन्होंने समझा, सूरह वलासर को बता दिया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दीगर तमाम ताबईन वगैरह का, पूरे कुरान की नियाबत करने वाला सूरह, इंसान की हिदायत के लिए सूरह वलासर। अगर वलो बिल फस पूरा कुरान नाजिल न भी होता, खाली वलासर का एक सूरह नाजिल हो जाता तो भी काफी था इंसान को हिदायत के लिए। अब पूरे कुरान के सूरों में सबसे छोटा सूरह, अब पूरे कुरान के माना मफहूम कैसे लिया, किस तरीके से समझ में आ गया, बात समझने की होती। इंसान समझ वाले सबक से पीछे हटता है, कुरान बार बार याद करता है। सुना किस आयत में, ईमान वालों तुम उन काफिरों के जैसे ना हो जाओ, ऐसा कहने वाले को अल्लाह ताला काफिर करार देते हैं। कहने वाले मुसलमान जाहिर में जो थे, जैसे मुफस्सिर लिखते मुनाफिक थे वो, इनका निफाक कुफर के करीब था। इनका ये निफाक जो इस पहलू में तकदीर के इसमें, उन्होंने सबब को यहीं तक जोड़ दिया, अल्लाह से हटा दिया, तकदीर के पर ईमान की कमी वाला पहलू था। उस कमी वाले पहलू के ऊपर अल्लाह ताला ने काफिर करार दिया। अब आहत इसे वजाहत में आते, मन तशब्बा बि कौमिन फहुवा मिन्हुम, नाम मुसलमान है कहते, खानदान मुसलमान है कहते, फुलां है कहते, लेकिन उसके चाल चलन में, आदात व अतवार में, फिक्र के अंदर, यानी प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, उसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं जो इस्लामी अखलाक के, इस्लामी आदाब के नहीं हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद कुल्लिया फरमा दिया, यह ऐसी मुशावत रखने वाला शख्स जिससे मुशावत रखता है वो उसी में शुमार होगा उसका। ये फरमान पैगम्बरी है, फरमान पैगम्बरी नबूवत का प्याम होता है। नबूवत गैब की खबरें अल्लाह ताला डालते हैं, अल्लाह ताला बताते हैं, अल्लाह ताला समझाते हैं, पैगम्बर को बताने के लिए। इसलिए सारे अहादीस को एक दीन इस्लाम है, एक दस्तूर इस्लाम है, उस दस्तूर के बनने का एक कानून है इस्लाम है, इस्लाम का एक कानून है, उन्हीं कानून के मुताबिक उसी की बुनियाद पर आपको मसाइल लिख कर बता कर समझा देते हैं। वरना कुरान की आयत पढ़कर तर्जुमे से आप मतलब निकलना बड़ा दुश्वार है, हकीक मफहूम तक समझना मुश्किल है। तो उस कानून इस्लाम के अंदर कलाम पाक भी वही है, अल्लाह ताला का प्याम है, सारे के सारे अहादीस भी वही हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इसको नमाज में पढ़ना है, उसको नमाज में नहीं पढ़ना है, इसको हमेशा तिलावत करना है, उसको हसब ज़रूरत माना के लिए लेना है, पढ़ते बैठना नहीं है, कुरान की तिलावत करना है। उसको कानून इस्लाम में नाम है, ये वही तिलावत की जाने वाली, वो वही तिलावत ना की जाने वाली, इसमें अरबी लफ्ज़ है, वही मतलू वही गैर मतलू तिलावत से। याद अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इन काफिरों के जैसा ना हो जाओ, समझने के लिए ये मुनाफिकाना चालो चलन के जैसे तुम भी मत हो जाओ। उसको सहाबा से खिताब है, सहाबा का नाम नहीं है। क़यामत तक आने वाले मुसलमान के लिए जैसे हालात में सिर्फ जंग से जुड़ी हुई बात नहीं है, ज़िंदगी के हर पहलू के साथ, जिन्होंने ये कहा था अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों से,
असुन के माने साथी, भाई का भी तर्जुमा करते हैं, हंसी से भाई नहीं बोलता, हंसी से भाई को भी अख बोल देते हैं, इख्वान बिरादरी को बोलते हैं। भाई से तो मुल्क सारे इंसान मजहब के फर्क के बगैर हिंदुस्तानी पहले के अतबार से ये इख्वान के सब भाई 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 इख्वानी बोलते हैं। सगा और हकीकी भाई इसके लिए अरबी भाई लगा नहीं, इख्वान एक आम लफ्ज है, क्योंकि घर के एक अफराद भी जो एक साथ रहते हैं, एक बाप की औलाद होती है, इसलिए उसको इख्वानी बोलते वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो खालूल इख्वानी जिन्होंने अपने साथियों से कहा, अपने मिलने वालों से कहा, अपने मिलने वालों से कहा, लेकिन तर्जुमा पर अभी मिलो कुरान का तर्जुमा, तर्जुमे किताब पढ़ोगे तो उसमें यही लिखेगा अपने भाइयों से कहा। हम उर्दू में भाई बोले तो रिश्ते से नाते से भाई समझते हैं। यानी एक कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाली चीज को अखुद देते हैं, इख्वान देते हैं। कोई भी तर्जुमे वाली किताब पढ़ेंगे तो बस इतना ही लिखेंगे, उसकी वजह तफसील उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से, अपनों से कहा, तर्जुमे लिहाज से अपने भाइयों से कहा, इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़, जो अपने भाइयों से कहा करते थे, कभी वो किसी सफर को निकले तिजारत की गरज से, सैर सियाहत की गरज से, किसी भी गरज से, या जंग के लिए निकलते हैं और कुछ हो जाता तो ये कहते हैं, हमने कहा था मत जाओ, गए देखो भूखते, हमने कहा था जंग में मत जाओ, गए देखो ऐसा हुआ। इतनी वजह तफसील आप जानेंगे, अरे मौसम ठीक नहीं मत जाओ हमने कहा था, गलत हालात अच्छे नहीं, फिजा साजगार नहीं मत जाओ कहा था, इसलिए हमने ऐसा कहा था, ऐसा गए ऐसा हुआ। कोई भी एक पहलू निकलता उसमें सारे पहलू आएंगे। ये कहते हैं या जिहाद में और गुज्जन गाजी की जमा, गुज्जन गाजी की जमा, जंग में जाकर सही सलामत जख्मी होकर सही जान अपने हाथ में लेकर वापस तो आए, जान नहीं गई जिंदा आ गए, उसको गाजी कहते हैं। गाजी की जमा होती है गुस्सा, या जंग से लौट कर आने वालों से जिन्होंने कहते हैं लो कानू इंदना, अगर वलो बिल फर्ज, उर्दू में इनका तर्जुमा अगर करते हैं, इज़ा का तर्जुमा अगर करते हैं, इसका तर्जुमा अगर करते हैं, लौ का तर्जुमा ये करते हैं, ये उर्दू में तर्जुमा बिल्कुल सही नहीं होता। ये लौ इस अंग्रेजी में सपोज डट के मीने में एक इम्कानी चीज, लौ का ना फी इमा अलीफसदा, एक महान चीज ना होने वाली चीज के बारे में कहना है तो लौ का जिक्र करते हैं, लेकिन उर्दू में तो तर्जुमा अगर अगर इश करी, इन आया भी तो अगर, हल आया भी तो अगर, इज आया भी तो अगर, इजा आया भी तो अगर। इसी तरह चंद अल्फाज मिन के माने से, बे के माने से, जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, आइन नून आता अन के माने से, मीम जाल आता मुस के माने से, मीम नून जे आता मुंज के माने से, लेकिन अरबी अंग्रेजी में दोनों का सब्स्टिट्यूट बराबर है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। जब वे आता है तो अंग्रेजी में वही आता है, मीन आता है तो परम आता है, अन आता है तो अबाउट आता है, मुज या हुंजू आता तो सेंस आता है। ये अंग्रेजी के इतने अल्फाज को जब उर्दू वाले तो से 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 करते, हर से अलग है। यह उर्दू कोई मुस्तकिल जबान नहीं, बहरहाल जबान बन गई है, हर जबान को आसानी से कबूल करती है, पर इस्तेमाल को समझना पड़ेगा उसको। तो लव कानू इंदना, अगर वलव बिल फर्ज, ये हमारे पास होते यानी सफर को न जाते, ये हमारे पास होते जंग को न निकलते, ये हमारे पास होते फला ऐसे मौसम की वजह से न जाते होते, मामा तू न मरते न कत्ल होते। दो लफ्ज हैं इसमें कोई भी चीज़,
न जाते तो हादसा होता नहीं होता, न जाते तो वो नहीं होता था। चंद लोग रगड़े, झगड़ा हो रहा है, रोका आपने, नहीं आप जिद करके गए देखने के लिए, लेकिन उन दोनों के आपस की लड़ाई में कुछ जख्म आपको भी आ गए। अब कहने लगे, हमने कहा था मत जाओ, गए भुगते, सुनते नहीं हमारे। ईमान सबसे पहले अकीदे का नाम है, अमल बात का नाम है, नमाज की अहमियत बाद में, उस अकीदे के बाद नमाज। 13 साला कुरान जो नाजिल हुआ मक्के की जिंदगी में, नबुवत के 10 साल के बाद नमाज फर्ज हुई खाली, क्योंकि मेराज 10 साल के बाद। कोई शरीयत का हुक्म नहीं था आपको, खाली अकीदे की इसलाह, ज़हन की इसलाह करते चल रहे थे। उस अकीदे के ऊपर बाकी रहने के लिए मदीने में आने के बाद पाक काम की, इस अकीदे को ज़कात अदा करने के ज़रिए से बाकी रखना है, इस अकीदे को सदक़ात व खैरात के ज़रिए से बाकी रखना है, इस अकीदे को मोहताजों की मदद करने के ज़रिए से बाकी रखना है, इस अकीदे को मुसाफिर का ख्याल रखते हुए करना है, इस अकीदे को किसी गरीब की मदद करते हुए करना है, इस अकीदे को रोज़ा रख कर पूरा करना है, इस अकीदे को नमाज के ज़रिए से पूरा करना है, और जितने दस्तूर शरीयत बाद में सारे अमल का कोई वजन नहीं जब तक ये अकीदे में सुना। और जितने मुखालिफिन के जो झगड़े भी सुनते हैं, ये चीज़ों में नहीं है। आप छोटे दिमाग से सोचे, मुझे तो एक डॉक्टर साहब पकड़ लिए थे, स्किन के डॉक्टर को जोरपाल साहब ने, वक़्त लेकर मैं गया, नंबर आया तो जाकर बैठने के साथ ही बोले, अभी दवा लिख देता हूँ आपको, वो भी बातें हो जाती, लेकिन 5 मिनट आप। उन्होंने कहा हमारे जितने दवाखाने हैं जो हम वक़्त देते हैं, फलां दवाखाने हमारे पास एक चीज़ तय शुदा है, वहाँ के एक रूल को हमको फॉलो करना पड़ता है। उस दवाखाने का रूल होता है कि दवाओं का भी एक चार्ट दे देते हैं कि किसी भी मरज के लिए उस मरज के इतने दवाएँ तय शुदा हैं, उन्हीं दवाओं में से उसको लिखना नुस्खे में। जब दूसरे दवाखाने में जाते हैं तो वहाँ का चार्ट अलग होता है, वहाँ पर उसी डॉक्टर से दवा लिखे तो गोली बदल के लिखेगा उन्हें। ये और बात है कि इतफाक से ये गोली वहाँ भी वो अलग बात है। हम इख्तलाफ नहीं करते, डॉक्टरों में झगड़ा नहीं होता, लेकिन तुम मौलवी हजरात, उलमा हजरात, ये आपस में क्या झगड़े लगाए, क्यों सब मिल के एक इतफाक नहीं कर लेते हैं? ये थ्योरी से उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की। छोटे जहन से भी सोचो, ये जो झगड़े हैं किसी के पास, उन्होंने ये भी जिक्र किया, उन्होंने भी जिक्र किया, अरे हर एक 5 नमाजें बोल रहा, रोज़े 30 है बोल रहा, लगातार निसाब ये बोल रहा, किसी के पास इख्तलाफ नहीं, फिर आपस में तू तू मैं क्या लगे। मैं बैठा हुआ हूँ थोड़े सुकून इत्मीनान के साथ, एक साहब आकर मुझसे पूछने लगे, मेरे कान कभी सुने भी नहीं, पकौड़ों के पीछे नमाज पढ़ना क्या, ये पकौड़े क्या होते हैं, मैं समझाने, मैं हैरान हुआ, मैं बोला ये मतलब पहले मुझे समझाइए आप, पहले मुझे मतलब समझाइए। फिर एक जगह बैठा तो कहने लगे, भाई छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। बोले ये क्या बात है, अरे यहाँ ये आयन सुन्नत है ना, वो भी है, तुमको कोई चीज़ मिली नहीं, सुन्नत का मजाक उड़ाने लगे तुम, पिंडली नजर आना मर्द का लिबास बताया, आधी पिंडली तक नजर आना सबसे अच्छा लिबास बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन का मजहब का हिस्सा है, उसी का मजाक उड़ाने लगे। इसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, ये रहने वाले चंतुलवा ग्रुप बना कर आ गए, एक बार आकर कहने लगे, मुझ साहब को किताब पढ़ते हैं क्या, किताब पढ़ना कैसा है। बोला किताब लेकर आइए मेरे पास, शुरू से आखिर तक बताइए, कोई एक चीज़ काबिल एतराज है क्या, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ किताब पढ़ी गई तो काफ़ी है, किताब से आगे बोलने की आपको इजाज़त नहीं है, चूँकि फन से वाकिफ नहीं है आप,
اب وہ شیطانی عقل کام کرے گی. جو خرابیاں شیطانی عقل کے ہیں کتاب کے نہیں ہیں. اور دوسری بات, جو کتاب ہے وہ پورا دین تو نہیں ہے, دین کا ایک پہلو ہے, پورا دین نہیں ہے, دین کا ایک پہلو ہے. لائیے بتائیے, ضرورت پر میں خود لے کے پڑھتا بھی ہوں, اس کو دیکھتا بھی ہوں. کیا اعتراض ہے آپ کو, کیا شک ہے؟ اس سے ہٹ کر زمانی تبصرہ یہاں پر اس مسجد میں ایک زمانے میں 44 سال چل رہا, پیچھے رکھ دیکھا میں, سرگرم سب استاد بیٹھتے تھے, بیٹھک ہوتی تھی, کرتے کہنے لگے کچھ بھی ہو چند دن لگانے سے بولنا تو آ جاتا ہے. آج الو بھی 4-4 گھنٹے کھلتا ہے, آپ تھک جائیں گے, الو نہیں تھکے گا بولتے ہوئے. بولنا آ جاتا ہے, کیا بات ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ممبر پر سے اٹھائے, اس کو اتارے نیچے. اس کا بیان اتنا جامع معنی تھا کہ سارے حاضرین کو مچلا دیا, کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں کو بہا دیا. ہر آدمی متاثر رہا. آپ نے تئی پوچھا, قرآن کے ناسخ منسوخ سے تو واقف ہے, حدیث میں بھی ناسخ منسوخ ہے. آج کے پیریڈ میں ایک چیز ہوتی ہے, پھر بعد کے اس میں یہ حدیث کب کی ہے, تو لہٰذا بعد والا فرمان رسول اسی فیلڈ کا ہے, یہ قابل عمل ہوتا ہے, یہ اس کو روکیں گے, حدیث بول کر حذف نہیں کریں گے, چھپائیں گے نہیں. مستقل پن ہے, 14 قسم کے شرائط ہیں. قرآن کے درس کے نام سے اگر بیٹھتے ہیں, حدیث کے درس کے نام سے اگر بیٹھتے ہیں, ہم کو یہ سب نہیں ہونا ہے. خام خواہ کیوں کہتے ہیں قرآن وغیرہ؟ تو میرا جس عقید ہے کہ اس پہلو کے اوپر, اس لیے قرآن کی ساری آیتیں, یہ بات بھی کئی مرتبہ بتا دوں, 6000 قرآن کی آیتیں بلا کسی اختلاف کے, ہر سورے کے اس میں آیتوں کی تعداد لکھی ہوئی, آپ کاؤنٹ کریں گے تو 6200 ملیں گے. کتابوں میں پڑھیں گے تو دکھے گا 6666 آیتیں قرآن کی ہیں. آپ 6666 مرتبہ گنتی کریں گے تو نہیں ملیں گے. لیکن آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں, یہ غلط ہے. آپ کو کاؤنٹنگ کا فن ہی نہیں معلوم تو کیسا کریں گے آپ اس کو؟ یہ دنیا الگ ہے. 100 آدمی مل کے ایک فلیچ اس کو کہہ دو یہ سونا ہے, لیکن سنار کے بچے بلا کے گئے, انہیں کہہ دے کہ سونا نہیں ہے, تو یہ 100 آدمی جھوٹے ہیں, انہیں ایک صحیح ہے. ہاں, 100 آدمی جھوٹے کیسا ہوئے ہیں؟ فن کی ایک بات الگ ہوتی ہے. تو یہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ اگر تم رہ جاتے تو تمہاری نہ موت ہوتی, نہ تم قتل ہوتے, نہ نقصان اٹھاتے. یہ ایسے زندگی میں سب سے زیادہ مصالح انسان کی زندگی میں ہے. عام زندگی کے اندر وہاں آ کر سبب کے پاس رکنا نہیں, سبب کے اوپر پیچھے ایک چیز ہے اللہ کی ذات. لہٰذا آپ کے سب بہت مہربانی کیا ہے, تو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ نے آپ کے ذریعے سے ان کا شکریہ ادا. اور جو سبب سے انسان آگے بڑھتا ہے, اس لیے حدیث میں شریف میں آ گیا, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا. بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے الفاظ ہیں, اور کما خان نبی علیہ السلام سے. چونکہ ہر انسان کو کسی کے سبب سے جڑ کر ایک چیز تک آگے بڑھنا ہے, اس سبب تک بنانے والی چیز, مہیا کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسے قرآن کے 6200 آئے تھے تو چلو عام آدمی کے حساب سے گنتی کے لحاظ سے, اور جنت کے بھی اتج درجے ہیں. چونکہ قرآن سے پورا جو جڑا ہوا ہے اس کو یہی حکم دیا جائے گا, تیرے لیے کچھ بھی نہیں, تجھے جنت میں ڈالنا ہے, فیصلہ ہونے کے بعد. اب قرآن پڑھتے جا, ہر آیت پر ایک درجہ بڑھتے جا,
सब गिनती कर लो, 6,227 कुछ आए थे, तो जन्नत के तट देखते हुए वो हिसाब से बाद आया थे तिलावत के इसमें, ये नहीं एक आया काउंटिंग में दो होती है, इसलिए कि दो हुकुम दो तरीके से निकलते हैं, दो तरीके से निकलते हैं, वो काउंटिंग में दो होती है। और फिर 114 सूरे में एक सूर्य को छोड़कर 113 सूरों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी एक आयत गिनती में आती है। अब 6,200 चिल्लर आ गए, 6,300 चिल्लर हो गए, फिर उसको मिले तो 400 हो गए, वो गिनती अपनी जगह बराबर बरहक है, उसमें से आम आदमी को लेना देना नहीं है। 6,666 करना सही है, आप अपनी गिनती कर ले करना सही है। हफ्ते में एक बार तफसीर में जाता हूँ, वहाँ पर बहस करने लगे इतनी आयते हैं, हम 10 मरतबा करें गलत है, मैं कहा कि 10 नहीं 10,000 मरतबा कीजिए, आप उसी हदत पे पहुँचेंगे, लेकिन जो ये गलत कह रहे हैं ये आपका ये कहना गलत है, ये अपने फहम को दुरुस्त फरमा लीजिए, ये कहना गलत है, इसलिए मेरे समझ में नहीं है तो गलत है ये नहीं कहना, मेरी समझ है कहाँ तक, मेरा इल्म है कहाँ तक। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कोई 22 मरतबा मसला पूछे जाने पर ये जवाब दिया, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। उस वक्त यहाँ इमाम में सबसे बड़े इमाम, सुफियान सौरी उम्र में बड़े, इनके इल्मी शोहरत को देखकर कभी कभी कहते अरे वो लौंडे का मसला छोड़ो, खातिर में नहीं लाते थे, फिर बाद में जानवे अदब तय करने लगे, इतने एहतियात के साथ कुछ भी कह देने का नाम इन्होंने अंदाजे पे कह दिया कुरान के किसी माना के बारे में हदीस शरीफ में, तहकीक के बाद में पता चला कि सही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह किया गलत है, इसलिए कि अपनी अकल से दखल देने का नाम नहीं है, उसूल और बुनियाद के मुताबिक उसके ऊपर चलना है। तो लिहाजा इस अकीदे का पहलू कुरान में सबसे ज्यादा पूरी शरीयत के आकाम जो नमाज पढ़ना ये करना वो निकलना सिर्फ 500 आयतों से जुड़े हैं, 5,500 से ज्यादा जो कुरान है सिर्फ इंसान के फिक्र की इसलाह है, इसलिए इसके साथ जुड़ना है, पूरा मतलब समझ में भी आए तर्जुमे के साथ जुड़ना है, थोड़ा वक्त निकाल लिया हसरत फी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ये लोग ऐसा कहते हैं ना ये इनकी हसरत इनके दिल में रह जाएगी, हकीकत क्या अल्लाह ताला बताते हैं, वल्लाहु युही व युमीत, अच्छी तरह इल्म और ईमान को पक्का करो, इन वाक़ियात इन अज़बाब के साथ बात जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जबकि इंसान को हर चीज़ सबब और अज़बाब के साथ होते हुए दिखती है, अल्लाह ताला देते हुए सबब के साथ, पानी के ऊपर से चले जाओ तुम डूबोगे नहीं, ये परमाता तो हो गया था अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के तौर पर, इंसान की जिंदगी को जोड़ के रखें सबक के साथ, करेंगे हम हुक्म होगा हमारा, तुम एक डंडा मारो मारे एक डंडा, बने 12 रास्ते 12 रोड, चलो 12 मरतबा मारना था, मारे एक डंडा समंदर के ऊपर हाईवे के जैसे 12 रास्ते बने, क्योंकि बनी इसराइल कबीलों के थे, वैसे 12 हिस्सों में बटी हुई थी, पानी का मसला था, अल्लाह का हुक्म डंडा मारो छोटे से पत्थर पर, मारे एक डंडा निकलते 12 किनाल निकले, एक मार पे एक होना था, हाथ पे मारे तो पैर पे लग रहा है, ये कैसे होता, लेकिन अल्लाह ताला सबक के जरिए से इंसान को सिखाए बताए समझाए, तो अल्लाह ताला ही हयात देते हैं जिंदा जब तक रखना अल्लाह ही की मर्जी, और मौत भी देने वाली जात अल्लाह ताला की, इससे सफर का जंग में निकलने का आज यहाँ बैठते तो नहीं होता था इसका कोई ताल्लुक नहीं, अगर तुम ये ना भी करते होते घर में रहते बिस्तर में रहते दरवाजे बंद के रहते तो भी कत्ल हो सकता है, तो भी मौत हो सकती है, तो भी कई वाकयात हो सकते हैं, इस फिक्र की इस्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर,
यकीनन तुम अब जो कुछ भी तुम करते हो या कहते हो अल्लाह ताला पूरी तरह वाकिफ है, उसी के मुताबिक जजा और सजा। तो हिसाब सारे अमल का जजा सजा इंसान के फिक्र अकीदे के ऊपर ही, यही फिक्र पुख्ता होगी तो नमाज में जो अल्लाह दिखता है यकीनन दिखता है। अजीज शरीफ जो है वो बुद्ध कानना का तराहु अल्लाह को देख रहा है नमाज पर, यानी पूरी कमाल तवज्जो कर। सैकड़ों सफात पर सिर्फ नमाज के ऊपर किताबें, हालांकि नमाज का बयान क्या है, एक सांस में खत्म होता भाई, वजू करो, रकात पढ़ना, यूँ करो, रुकू करना, सजा करना, खयात पढ़ना, खैदे में बैठना, सलाम करना, हो गई नमाज। उसके वजह तालीम के लिए 17,000 सफ़े तक के ऊपर उसकी चीज़ें कलमबंद हुई, इतना क्या है फिर वो? ये तवज्जो वाली कैफियत होती है। अब वो तवज्जो नमाज तो पढ़ना ठहरा 10 मिनट पहले आने में क्या बिगड़ा? आपको मगरिब के बाद बुला के उन्हें 11 बजे खाना खिलाने वाला है शादी में, पर आप चले गए तो बैठे ये वो खुशबू छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं, खा के जाऊँगा, इतना वक्त हम शादी में देने के लिए तैयार, जाने की महफिल में देने के लिए तैयार, दोस्तों की इसमें देने के लिए तैयार। कदीम ज़माने में कम से कम आधा घंटा पहले ही ऐसा हुआ करती थी, हिंदुस्तान के तूल अर्ज में 15 मिनट पहले दे रहे, उसमें मौसम सब 5 मिनट लेते हैं, अब रह जाते हैं 10 मिनट, तो भी 10 मिनट के बाद मैं निकलना चाहता हूँ, कहीं निकलो, कहीं को निकलते वो नहीं बोलना है, हमको बताना है। कुरान ने कहा कि सिर्फ तुम्हारा काम बोलते जाओ बताते जाओ, किसको दिल को लगना है लगाना है उसको टिकाना है वो तुम्हारा काम है। फिक्र मनते पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जगह जगह ये फिक्र क्यों लगा ले बैठे हैं नबी, लाल का भाषो नफ्सा का लासारिम इल्लम यू मिनू, ये नहीं माने ये नहीं करे तो कहीं इसी फिक्र में क्या आप मर जाते हैं क्या? उस वजह से निकलता, ज़्यादा फिक्र लिए तो मौत का सबब भी बन सकता है। ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सोच कर फिक्र में क्यों डाल रहे हो? ये छोड़ दो, हमा अलैका इल्लल बलाग, हमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अल्लाह भी बोल दिए। आपको रुकना नहीं, आपको बोल देना है क्या होने वाला है क्या नहीं करने वाला है, आपके बोलने के बाद ही छुआ, कोई मारने आया कोई मारने की तैयारी करा, क्यों? आप फरमाए बोलकर, आप फरमाए बोलकर कोई ईमान कबूल किया, आपकी हिफाजत में लगा, आप पर जान देने के लिए तैयार हो जो सहाबा थे, सिर्फ बोलने के पर ही छुआ, किसी का हाथ पकड़े नहीं, गर्दन नहीं पकड़े, एक ही बोल के ऊपर कोई शैदाई हुआ, एक ही बोल के ऊपर कोई पक्का दुश्मन हुआ, बोले तो अपनी जात के लिए नहीं बोल रहे हैं आप, अल्लाह फरमाए बोलो, फरमाओ फरमा रहे, अल्लाह का हुक्म इतना इष्टा, अब कौन किस पे लगता है कौन नहीं लगता है इसको फिक्र मत करो, ज्यादा ये लगा भी मत लो, मगर इस काम से आप मत रुको। तो दीन इस्लाम के अंदर इस चीज़ को ऐसे करने का तरीका है, सब ऐसे कर लेना मेरे एक से ये शैतानी महसूस, फुला कहने से करो ये शैतानी महसूस, हक जानो अपने इस पर टिकली खुश करो। हर इंसान की जितनी ताकत और विसात है उससे आगे नहीं बढ़ेगा, जितना इल्म है जितनी समझ है उसी के मुताबिक करेगा, और जितना भी है आखिर में याद अल्लाह ने इसी की दिया, मस्त था तुम शुरू में हुक्म दिए थे किसी के लिए मुश्किल सबके लिए मुश्किल था, आमन तकुल्ला हक तुखाती, हर निकाह के खुद में हाथ पढ़ के तर्जुमा भी करके तकरीर भी करके चल रहे, लेकिन ये फ़र्क नहीं करके बताते, क्यों नहीं बताते थे? इसलिए कि हक तुखाती का हुक्म ख़त्म हो गया, तिलावत में बाकी हुक्म ख़त्म हो गया, बाद में अल्लाह ने फरमा दिया सूरह तहरीम में या अय्युहल्लज़ीन आमनू तकुल्ला मस्तता'तुम, बता दिया हक तुखाती को हटा दिए रखे, इसलिए कि अल्लाह का असल मकसद ये है, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत है कहाँ, हुक्म देखिए तुम्हारी विसात के मुताबिक एहतमाम करो, मस्त अहले इल्म गौर व फिक्र इस मैदान के उलमा के अंदर भी इस आयत को रखने की वजह को पूछा, यहाँ ये बताना है इस नहीं,
तो हक्का तुकाती बताना मकसद है ही नहीं, उस आयत का जो बाकिया हिस्सा है वो बताना मकसद है। बोला तमूतुन इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, जिंदगी जो भी गुजारो इस्लामी हुक्म इस्लामी मंशे के मुताबिक करो, आखिर सांस भी इसी फिक्र के ऊपर बाकी रहे, नई जिम्मेदारियाँ आने बोलकर जिंदगी में कुछ का कुछ, मैं बीवी वाला हूँ, मैं बच्चे वाला हूँ, या तो मैं चोरी करता हूँ, या तो मैं धोखा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये निकाल दो, इस्लाम की फिक्र से नहीं हटना। इसलिए खुतबे निकाह के अंदर जो मुस्लिम खुतबे के अंदर यह आयत को लाजिम है, अब वो हिस्सा वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून बताना है, हक्का तुकाती बताना नहीं, तखवा तो बताना है, हक्का तुकाती का किसके बस की बात है, यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होना, उसके खिलाफ नहीं होना, वो किसी के इसमें भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने इजाद बाद में दी, या तो इतना हुक्म इस आयत से बाद में ख़त्म कर दिया, ये तारीख जानना रहता। फिर वस्ता तुम सूरह तहरीर में बताकर बताया वो आयत इतने हुक्म को ख़त्म करती है, पर बाकी रखे इसलिए असल मंशा ये है, तुम्हारी कोशिश चलते जाओ चलना है, फिर भी नहीं पहुंच सकते, मर करते चलना, आगे बढ़ते चलना। तो इस तकदीर के इस मसले को बताकर अब इसी की बड़ी वजाहत है अगली आयत में, ये तो हो गया, अब हो जाता इस अकीदे पर हो जाता हो गया, तो बहुत बड़ी इताअत और इबादत का मसला है, अल्लाह की बेहद तो हिसाब नवाजिश है तुम्हारे साथ है इस मामले में, इसी मसले के साथ अगली दो आयतें भी जुड़ी हुई है।